नमस्ते बच्चों, मैं स्माइल से विजयलक्ष्मी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, कल हमने आपसे एंगल यानी कोण के बारे में बात की थी। उसमें हमने आपको दो कोणों के बारे में बताया था, समकोण यानी राइट एंगल और दूसरा न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। समकोण जो 90 डिग्री कोण बनता है वो एल की शेप में होता है, और न्यून कोण जो 45 डिग्री का कोण बनता है। और बच्चों, कल हमने आपको कोण के का चिन्ह क्या होता है वो भी बताया था। आज हम बात करेंगे उसके आगे कोणों, जैसे अधिक कोण और सीधा कोण। अधिक कोण के बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल और सीधा कोण को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो बच्चों, इसमें आपको दिखाई दे रहा है यह 135 डिग्री का कोण बना हुआ है, उसमें कितने का था 90 और 45 डिग्री का। आज हम बताएंगे अधिक कोण में कितने का होता है, 135 डिग्री का। देखो बच्चों, ये बीच में दिखाई दे रहा है ओ, तो इसलिए हमारे कोण कितने हैं, कोण का नाम क्या है, कोण ओ। इसी प्रकार इसमें आपको दिखाई दे रहा है सीधा कोण यानी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमारा क्या है, ई ओ एफ। तो ओ हमारा क्या है, कोण। तो हम इसको ई ओ एफ लिख के भी कर सकते हैं, और या हम एफ ओ ई, इस तरह से भी कोण को हम दर्शा सकते हैं। जो कोण हम बन जिस पे हमारा कोण बना हुआ है वो हमारा बीच में आता है। तो ये ध्यान रखना है कि अधिक कोण में 135 डिग्री जो हमारा ओ था वो लिखा है हमने, और ऐसे ही इसमें 180 डिग्री हमारा कोण है यानी कि सीधा कोण, बिल्कुल सीधा बना हुआ है आपको दिखाई दे रहा है। तो ये होता है स्ट्रेट यानी सीधा एंगल। ऐसे ही मैंने आपको यहाँ कोण दे रखे हैं, तो आपको इन कोणों के नीचे उनका हिंदी और अंग्रेजी में जो नाम हमने बताया है वो आपको यहाँ बनाना है, लिखना है। मतलब जैसे कि आपको यहाँ देख लो नाप दे रखा है मैंने आपको यहाँ देख, हमेशा ध्यान रखिए डीप कोण बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि इसके जो बीच वाला 90 डिग्री वाला है वो बिंदु पे आना चाहिए, और यहाँ लाइन पे बिल्कुल हमारी लाइन आनी चाहिए, तभी हमारा डी के द्वारा कोण बिल्कुल सही आएगा। नहीं तो हम जब भी कोण बनाएंगे तो ऊपर नीचे होगा, तो हमारा कोण हमेशा गलत होगा। तो डी कब बनाते वक्त ये ध्यान रखें आप। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और इन कोणों के बारे में आपको हमने बताया है, उनके अनुसार इनकी नीचे इनका हिंदी में और अंग्रेज़ी में नाम लिखना है। तो मुझे उम्मीद है मैंने आपको जो समझाया है वो समझ में आया होगा, और आप मुझे करके भेजोगे।